अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखो क्योंकि ये आपके होश उड़ा देगी। आप ये वर्ड यूज़ होते हुए देखेंगे, बाल, ये क्या चीज़ है? उबाल और बाल वाज वन ऑफ द चीफ गॉड्स ऑफ प्री इस्लामिक कुरैश। इन हिज नेम मेनी चिल्ड्रन वर सैक्रिफाइस्ड। उबाल वाज अ मून गॉड एंड हिज सिंबल वाज द क्रेसेंट। द क्रेसेंट इज नॉट द सिंबल ऑफ इस्लाम बट इट इज द सिंबल ऑफ उबाल द मून गॉड। दोस्तों वीडियो गौर से देखना, सोच के साथ देखना और एंड तक देखना और आपको समझ में आएगा कि असल में इस दुनिया में शैतानियत कैसा चलते हुए आ रही है। अब ये बाल देवता है कौन? तो तौरा के मुताबिक इबलीस जो जिन्नात था ये उसका साथी था और तौरा में इसी को बाल कहा गया है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। गूगल पे अगर आप मारेंगे व्हाट इज बाल, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि अ गॉड वर्शिप्ड इन मेनी एंशिएंट मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटीज। एक ऐसा डीटी जो कि फर्टिलिटी पे काम करता है और सो कॉल्ड पेगन गॉड है। मगर जब आप उसके स्कल्पचर्स पिक्चर्स वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सा हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल वाला एक स्कल्पचर रहेगा और उसके हाथ में एक छोटा सा आपको इन्फेंट टाइप स्कल्पचर दिखेगा। दूसरी चीज, ये बाल वाली शैतानियत कुरान में भी मेंशन है, जैसा आप ये वीडियो में देख सकते हैं। But did you know Baal was mentioned in the Quran? أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين. क्रिश्चियंस में भी बाइबल में भी ये बाल बहुत बुरा बताया गया, एक फॉल्स गॉड, एक फॉल्स डीटी। Baal was an idol or a god with a little g that Israel used to worship when they would go back to their terrible ways. Historically speaking, Baal is also associated with fertility and being the god of storms, and they even committed terrible acts of sexual perversion. Baal, who is basically Satan or on Satan's side, wants you, wants your children, and wants you and your wife or you and your husband to be out of unity. ek zainiyat se har bure cheez mein iski ibadat ki ja rahi hai aur ye ancient roman period se chal lete aa raha hai aur jewish ka one of the main ritual hai. ab aap aage dekhna mehenge se mehenga brand aur dusri cheeze ye cheez ko kaisa follow karte hain. This is the dark sick truth behind the brand Balenciaga. Let's start with their disgusting ad campaign, and no, I'm not worried about the devil drawing on the top right. What I am worried about is the caution tape on the bottom left that misspells Balenciaga, B-A-A-L. If we search up B-A-A-L, we get King Baal, who in the Bible, if you sacrificed your firstborn child to him, you would get riches in return, as stated in Jeremiah 19:5. Kim Kardashian wore the tape as an outfit. It was spelled correctly, but it looks like she's no stranger to the word Baal. She goes Balenciaga, Baal. Balenciaga. I'm a baller. This is Lara Volkova, who is the chief stylist of Balenciaga, and it looks like she's into some really sick things. और आप लोग को मालूम इनके ये सो कॉल्ड पेगन गॉड को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता? घरों के बच्चियों को ये लोग को धंधे पे चढ़ाना पड़ता, कौन से दो नंबर के, जो मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ। और इनके पास जो फर्स्ट औलाद पैदा होती है वो इनको एक तरीके से बलि चढ़ाना पड़ता है इनके सो कॉल्ड पेगन गॉड को। इससे इनको क्या मिलता है? इससे इनको ताकत मिलती है, इससे इनको पैसा मिलता है और इनकी सोसाइटी में सुकून रहता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये जेश कबाला बेबीलोन मैजिक है जो कि आज तक फॉरवर्ड चलते हुए आ रही है। आप लोग को मालूम अमेरिका में 1933 में एक बहुत बड़े ग्राउंड में तकरीबन 1.5 लाख स्पेक्टेटर्स को जमा किए और वहां पे ये जायनिस ने सबसे बड़ा जेश रिचुअल किया और 6,000 लड़कियों परफॉर्मर्स रखा। क्यों? क्योंकि ये जो लड़कियां अतराफ नाचती है, गाती है, ये एक्चुअली उनके गॉड को प्लीज कर रहे हो। और ये गॉड को प्लीज करने के लिए कैसे टाइप की लड़कियां होना है जो कि गलत सलत काम पैसों के लिए करते हैं। अच्छा, इनके रिचुअल के दौरान क्या होता है? इनका जो मेन वो स्पिरिचुअल लीडर होता है वो सो कॉल्ड एक किस्म का डॉल पकड़ के लेके जाता है। वो डॉल रहता कि रियल में किसी का। अब इनका जो ये स्कल्पचर बना हुआ है उसके अंदर आग जलते हुए रहती है और वो लोग वो चीज़ को उस आग के अंदर डाल देते हैं। आप लोग में से कितने लोग ये कभी सुने थे कि बड़े से बड़े किंग्स, क्वींस, पॉलिटिशियन जो है ना, बच्चों की बलि चढ़ाते पावर में रहने के लिए? फेक दिख रहा, रिसर्च करो आपको पता चल जाता। बेबीलोन मैजिक पीरियड से ये लोग ये करते हुए आ रहे हैं। दिस इज द रियलिटी, हिस्टोरियंस ने प्रूफ किया, अभी तक ये लोग कर रहे हैं। आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा, 1933 का आप लोग बाल वर्शिप वाला वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आप लोग को पूरा कंप्लीट नॉलेज मिल जाती। और ये आर्टिकल में आपको क्लियरली मिल जाएगा कि ये रिचुअल कौन स्पॉन्सर किया? जेश एजेंसी ने स्पॉन्सर किया, विच जेश एजेंसी? विच वॉज रन बाय द जायनिस्ट ऑफ शिकागो। ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, अपने आप से बोल रहा हूँ, मसाला लगा के बोल रहा हूँ। आप लोग आर्टिकल में खुद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जो ये शो की ओपनिंग करा वही इसराइल का सबसे पहला प्रेसिडेंट रहा जब स्टेट ऑफ इसराइल फॉर्म हुआ था फलस्तीन में, वो जगह कब्जा करने के बाद। आप लोग ये झूठ भी दिख रही, आप अपने आंखों से पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो,
अब आप बोलोगे ये शैतान के पुजारी नहीं तो और क्या है ये लोग मानते थे कि जली हुई आग में अगर अपने बच्चे को फेंक दिए तो इनकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये कौन सी इंसानियत है, इतनी जहालत है इनके पास। फिर ये लोग अपने आप को मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द वर्ल्ड मानते हैं। एक आर्टिकल में ये भी दिखा कि उगांडा के इलेक्शन जब हो रहे तो वहां पे बच्चे की बलि चढ़ा दिए। क्यों बोले तो वो बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद इनको जो है गुड लक आ जाएगा इलेक्शन में और जिसकी वजह से इनके कंट्री में सुकून रहेगा। This is बाल वर्शिप। और ये लोग अगर खुद की औलाद को नहीं करे तो दूसरों की औलाद को पैसे देके खरीद के ये लोग ये हरकत करते हैं। मालूम आप लोग ये बात, इनका ये कौन सा खुदा है जो बच्चों की बलि पे खुश हो रहा है, जरा बोलो। इंसान का दुश्मन इंसान बना हुआ है, इसमें शैतान नहीं तो और कौन खुश होता। ये पॉलिटिशियंस कर रहे, बड़े से बड़े भाई टॉप मोस्ट बिलियनर ब्रांड्स कर रही है हरकत। इन कॉमनवेल्थ की ओपनिंग आप देखेंगे तो वो कुछ नहीं, दैट इज लिटरली बाल वर्शिप। कॉमनवेल्थ गेम्स रिप्रेजेंटिंग 56 नेशंस जस्ट एंडेड इन बर्मिंगहम इंग्लैंड। इवल द हॉर्न्स वरंट इवन लाइक दोज ऑफ अ बुल, इट वाज मोर लाइक बाल द एंशिएंट डेमन गॉड। And the people stood there with their hands clasped and raised in worship to this image. This is the demon god that they sacrificed children to. The Greeks, the Egyptian, and even Israel in their declension. आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखे तो उसके अंदर भी मैंने बाल बालेंसियागा का वो एड कैंपेन बनाया था जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए थे और मिलियन डॉलर्स का जो है लॉसूट डल गया था। क्यों? क्योंकि बालेंसियागा के नाम पे बाल वगैरह ये सब नाम के चीजें एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में हो रहे थे और वहां पे भी छोटे बच्चों को लेके एडवर्टाइजमेंट्स बना के ये लोग बहुत वाहियात चीजें शोकेस कर रहे थे। और एक आप लोग को चीज बता दूं, न्यूयॉर्क में द गोल्डन काफ आपको देखने को मिलेगी। तो गोल्डन काफ क्यों, ये लोग बोलते हैं गोल्डन काफ जो है ना पैसों को बताती है, ताकत को बताती है, पावर को बताती है। ये ही एरिया जिधर गोल्डन काफ का स्टैचू है, यह आर्च ऑफ वर्ल्ड और बच्चों के सैक्रिफाइस की जगह बनाई गई है स्टैचू। एग्जैक्ट वही जगह जो कि पहले के जमाने में बलियां चढ़ाने की जगह थी। और ये बुल क्या बताता, पावर स्ट्रेंथ मनी। पावर स्ट्रेंथ मनी नहीं है, तुम तुम्हारे पुराने वो शैतानी गॉड्स की पूजा करने आज तक भी मॉडर्न तरीके से वहां पे वही चीजें एस्टैब्लिश कर रहे हो। ये जो खुद को दुनिया के ठेकेदार समझ रहे, ये लोग क्या चीज की इबादत कर रहे हैं, आप लोग की आंखों के आगे है ये विद प्रूफ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और बताइए हकीकत के अपने पीठ के पीछे क्या होता है। अपन इन चीज़ों को देखते हुए भी अपन समझ नहीं पाते। सब्सक्राइब करें प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। हम चाहते हैं कि आप इसे मैक्सिमम शेयर्स मारे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रखिए, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में रखिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जिधर भी आप देख रहे हो उसे शेयर कीजिए। हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे जो कि आपको बहुत सारी नॉलेज देगी। ऐसे और नए नए वीडियोस आपके आगे लाते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे। दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।